बिहार में विधानसभा चुनाव के दो चरण अब खत्म हो चुके हैं, तो वहीं तीसरे और आखिरी चरण का मतदान अभी होना बाकी है, जो कि 7 नवंबर को होगा। वहीं से पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चुनावी जनसभा में अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। जी, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। अब उनके इस बयान पर विपक्षी दलों ने लगातार घमासान मचाया हुआ है। आपको बता दें, इस कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने भी अपना बयान दिया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार रण छोड़कर भाग रहे हैं, और अगर वो रण छोड़कर भागते भी हैं तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जाँच जरूर होगी। साथ ही साथ चिराग पासवान ने नीतीश पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, आइए देखिए आप इस वीडियो में। देखिए, जिस तरीके से उनसे पिछले 15 साल का हिसाब मांगा जा रहा था, हिसाब देना तो दूर, आज वो मैदान छोड़कर ही चले गए। और अब तो अगली बार अगर गलती से चुन लिए जाते हैं तो अगली बार तो उनको कोई हिसाब भी नहीं देना। तो क्यों जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को आप लोग चुनेंगे? और एक बार और स्पष्ट कर दूँ, अगर नीतीश कुमार जी संन्यास की घोषणा करके ये सोच रहे हैं कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार की जांच नहीं होगी, जांच तब भी होगी। ये नहीं सोचे कि अगर आप रणभूमि छोड़कर अगर आप भाग रहे हैं, अगर आपने मैदान छोड़ दिया, तो ये नहीं सोचे कि आपके ऊपर जांच नहीं होगी। भ्रष्टाचार की भी जाँच होगी, भ्रष्टाचार की भी जाँच होगी, सात निश्चय की भी होगी, शराबबंदी की भी होगी, और बाढ़ में जो हर बार राहत के नाम पर जो पैसा भरते थे। तो अगर इस तरीके से मैदान छोड़कर जा रहे हैं तो ये नहीं सोचे कि आपके ऊपर जांच रुक जाएगी, जांच तब भी होगी। सीएम नीतीश कुमार का आखिरी चरण, अरे कौन इनको ऐसे इमोशनल कार्ड बताता है? इनके नेताओं का नुकसान इतना भारी अब हो जाएगा इससे, भाई पार्टी का अस्तित्व खत्म ना। नीतीश कुमार जी अगर संन्यास ले लिए तो उसके बाद जदयू में बचा कौन? पार्टी खत्म, पार्टी में सब बेरोजगार, तो उसके बाद कहाँ जाएंगे अब वो लोग? तो ये इमोशनल गलत कार्ड हो गया।